अक्सर ऐसे जो किले होते हैं जो वीरान होते हैं उनको चमगादड़ ही घेर लेते हैं, चमगादड़ उनको बेकार कर देते हैं पूरा। देखिए आप एक बार कितने ज़्यादा चमगादड़ यहाँ पर चिपके हुए हैं। किन का जन्म हुआ था? यहाँ राव शेखा जी का जन्म हुआ है, उनका ये वो यहाँ के बाणजे थे और वो यही। देखिए लोगों ने यहाँ पर खजाने के लिए इस दीवारों को तोड़ दिया है कि दीवारों में दबे होते हैं मटके और सबसे पहले तो दोस्तों मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि 2 महीनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे कोविड हो गया था, उसके चलते ही यही रीज़न था एक कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, कहीं शूट करने नहीं गया था। लेकिन जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी फिर से मैं वीडियो रेगुलर अभी डालूंगा। तो जिस जगह पर दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हुआ हूं दोस्तों, ये है त्योंदा गांव जो कि पड़ता है राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के अंदर और तहसील पड़ती है खेतड़ी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप अभी देख रहे हैं अनटच व्लॉग। दोस्तों इस जगह पर आने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है यहाँ पर बना एक गढ़, और काफ़ी बड़ा गढ़ है और अपने आप में इसका एक अच्छा इतिहास है जो कि हम पता लगाएंगे कि पूरा इतिहास इसका क्या था और अभी फ़िलहाल वर्तमान समय के अंदर किस अवस्था से ये गुजर रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं, धीरे धीरे चलेंगे और सारे पोर्शन देखेंगे कि अभी वर्तमान समय में किस तरीके से ये बचा हुआ है। तो दोस्तों इसके थोड़ा सा पास में आने के बाद सबसे पहले हम वहाँ पर नज़र डालते हैं तो हमें एक काफ़ी एक मजबूत तरीके का एक महल नज़र आता है सामने की तरफ से। और इस किले का जो लुक है दोस्तों वो लंबे आकार का है, सामने से हम नज़र डालते हैं यहाँ से तो एक महल के शेप में हमें नज़र आता है, लेकिन जब हम साइड से इसका लुक देखते हैं तो काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा हमें ये नज़र आता है। दोस्तों इसकी हिस्ट्री हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि किसने इसको बसाया था यहाँ पर त्योंदा गांव के अंदर, और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे अभी वर्तमान समय के अंदर ये जर्जर हालत से गुजर रहा है। तो आइए मुलाकात करते हैं बाबूजी से। सबसे पहले मैं बाबूजी का शुभ नाम जानना चाहूँगा। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम केसर सिंह है, मैं पूर्व सरपंच रह चुका हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ। तो अभी हमें एक अच्छी डिटेल के साथ में जो एक किला बना हुआ है इसकी थोड़ा सा हमें हिस्ट्री बताइए कि किस तरीके से इसको बसाया गया था और अभी वर्तमान समय में क्या हालत चल रही है। ये किला निर्माण समाज का बना हुआ है, यहाँ पर कोई निर्माण नहीं था। पपुर्णा से हम यहाँ पर आए थे, उसके अंदर शिशु सिंह और चांद दो भाई आए थे यहाँ पर, उन्होंने इस किले को बनवाया, उन्होंने गाँव को बसवाया और ये गाँव है ब्राह्मण। तो ऐसा सुनने में आता है कि शेखा जी का जो जन्म हुआ था वो यहीं पर हुआ था जिससे शेखावटी की शुरुआत हुई नाम की। शेखा जी यहाँ के दो भांजे थे और वो यहीं पर उनका जन्म हुआ है। तो अभी यहाँ पर उनके जन्म स्थान जो है रूम वगैरह सब हम देख सकते हैं अच्छे से? बिल्कुल दिखाएंगे, उनका प्रिंटिंग भी दिखाएंगे, अंदर है। और कैसे चलकर धीरे धीरे आगे चलकर ये इस हालत से गुजर रहा है, इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? इसके बारे में यही है, पीढ़ियाँ चलती दर दर आगे चलती रही और पीछे भीड़ होती रही, गांव से इस गढ़ से जनता बाहर निकलती गई और इसके अंदर आबादी नहीं रहने की वजह से कुछ तो वो देखभाल नहीं हो पाई और कुछ इसका टाइम भी लंबा हो गया। तो राजपूतों का किला है मतलब? ओके, तो दोस्तों देखिए इसका इतिहास कुछ इस प्रकार था और अभी और भी बातें जानेंगे, धीरे धीरे किले को देखेंगे और बातें भी जानेंगे, आइए मेरे साथ में। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल इसके थोड़ा सा पास में आ चुका हूं और जस्ट आप यहां पर नज़र डालिए, ये इधर नज़र घुमाते हम तो यहां पर काफ़ी बड़ी हमें नज़र आती है इस गढ़ की दीवार। और यहां पर ऐसे बताते हैं कि यहां से ऊँट यहां पर चढ़कर आते थे। जगह कैसी बनी हुई है क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस तरफ ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर पहाड़ जो है यहाँ पर अभी भी मौजूद है। और ऐसा कहा जाता है कि इस पहाड़ को नहीं हटाया गया था उस समय। और सामने मेरे पीछे आप दरवाज़ा देख पा रहे हैं, इस दरवाजे के जस्ट सामने ये पहाड़ बना हुआ था। तो यहाँ से थोड़ा आगे आइए, ये गेट देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा ऊपर यहाँ पर एक गुंबद बनाया हुआ है ऊपर,
और उसको यहाँ पर एक सीली में फिट कर एक अच्छा डिज़ाइन के साथ में ईंटों के साथ में। भाऊ जी बाद में बनवाए गए क्या ईंटों के साथ में? ये बाद की बनाई है, जब मैं बता रहा हूँ ना उसके बारे में, ये बाद की बनाई है। पैसे पहले बड़ा दरवाजा था, इसके क्वाड भी चढ़े हुए थे। अच्छा, पहले बहुत बड़ा दरवाजा था, ये दरवाजा इतना ही था। अच्छा, लेकिन उसके क्वाड थे, ये गुम्बद तो डिज़ाइन के लिए बनवाए बाद में। तो जैसा कि दोस्तों आपको बता रहे हैं बाबू जी कि ये जो गुम्बद आपको नज़र आ रहे हैं दो, ये बाद में बनवाए गए थे, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा दरवाज़ा बना हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग कितने साल हो गए उसको होटल में तब्दील करने की सोचा था? आज से 14-15 साल पहले उसने कोशिश की थी कि मैं इसको होटल बनाऊंगा, तो इसने लीज के ऊपर हमारे से 20 साल की लीज लिया था। वो किसी परिस्थितियों के अनुसार या आर्थिक स्थिति के अनुसार वो उसको कम्प्लीट नहीं कर पाया। दोस्तों देखिए कितनी बड़ी बात है, और जिसने भी ये कदम उठाया था मैं उनकी सराहना करता हूँ कि ऐसे वीरान किले जो होते हैं उनको ऐसे लीज पर लेकर होटल में तब्दील करने के लिए इतना कदम उठाया, इतना साहस किया, उसके लिए ही काफ़ी काबिले तारीफ़ है। क्योंकि ऐसे वीरान किले, इतने बड़े बड़े किले होटल में तब्दील होते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यटक स्थल ये बन जाता है, लेकिन अभी वीरान एकदम पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो आइए अंदर की तरफ नज़र डालते हैं हम लोग। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ये हिस्सा अभी बाद में लिपाई कर ये बनाया हुआ है, लेकिन पहले ऐसा ये हिस्सा नहीं था। इधर भी देखिए काम चला हुआ है, आप देख सकते हैं कि सीमेंट की लिपाई की गई है, और ऊपर की तरफ तो ये पुराना डिज़ाइन ही अभी तक बना हुआ है। अब थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं। अभी इसके अंदर हम चलेंगे, और ये इस किले का चौक है। भाजी चौक ही है ना ये जी? जी, पहला चौक है ये इस किले का। थोड़ा अंदर आइए आप, एक बार देख सकते हैं कि किस हालत से अभी ये चौक गुजर रहा है। यहाँ पर इतने पेड़ पौधे कीकर वगैरह उग चुकी है। और इधर हम नज़र डालते हैं यहाँ पर, तो एक काफ़ी सुंदर तरीके से शेप दिया गया था इस किले को पहले चौक के अंदर आने के बाद, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक महल की शेप के अंदर ऊपर रूम बने हुए हैं, और नीचे ये झरोके देख पा रहे हैं गेट आप तीन, कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर बनाए गए थे। बीच में हमें सीढ़ियाँ नज़र आ रही है, और उसकी तरफ भी एक हमें पीछे सेम ऐसे रूम बने हुए हैं अंदर की तरफ। अभी देखेंगे सारी चीज़ें। आइए एक बार चौक की तरफ पूरी नज़र घुमाकर दिखा दीजिए किस तरह का ये चौक बना हुआ है। ऐसे निकल कर आना पड़ता है फिलहाल इसके अंदर से। तो पहले चौक के अंदर यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी विंडो बनवाई गई थी, ताकि यहाँ से पूरे गांव को निहारा जा सके, देखा जा सके। देखिए कितना सुंदर यहाँ से दृश्य हमें नज़र आता है पूरे गाँव का, कितने अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं पूरे गाँव को यहाँ से। देखिए बाद में बनवाई गई है, जब ये होटल का काम चला था होटल में तब्दील करने के लिए उस समय, और अभी ये पूरी तरीके से टूटने लगी है फिर से, इनको रिपेयर करवाया गया था दोस्तों। और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे सोचकर कि इस किले को ऐसे रिपेयर करवाया गया, इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी रही होगी कि इस किले को पूरी तरीके से नहीं बनवा पाए। पीछे की तरफ आप एक बार नज़र डालिए, यहाँ पर देखिए कितने सुंदर तरीके से ये बुर्ज आपको नज़र आएगा। यहाँ पर एक देखिए कितना बड़ा यहाँ पर ये बुर्ज है, नीचे तक पूरे पहाड़ के अंदर से पहला बुर्ज है इस किले का ये। और इस किले के बुर्ज के बारे में भी आपको थोड़ी सी एक कहानी बताऊंगा। पहले चौक की जो छत बनी हुई थी, जो रास्ता था, उसके ऊपर हम आ चुके हैं, और यहाँ पर एक और रास्ता है ऊपर जाने के लिए इसके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रूम, वो शाही रूम राजा महाराजाओं वाले, जो आज अपनी आंखों से आप देख सकते हैं कि किस हालातों से गुजर रहे हैं। और इधर भी नीचे जाने के लिए ये रास्ता है चौक में जाने के लिए। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि इस किले की जो शेप है वो काफ़ी लंबी है, और यहाँ से हम नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम पहले यहाँ एक चौक के ऊपर खड़े हुए हैं, और इधर नज़र घुमाते हैं हम तो यहाँ पर पूरा रिपेयर का काम करवा चुके थे कंप्लीट तरीके से, और काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है। क्योंकि इसके अंदर जब ये कंप्लीट होता तो इसके अंदर काफ़ी सारे डिज़ाइन बनाए जाते और लाइटिंग वाइटिंग की सब सुविधा की जाती, और जब हम इस तरफ नज़र घुमाते सामने की तरफ तो हमें कितना खंडर तरीके से नज़र आता है पूरा किला। लेकिन हम जब एक अच्छे तरीके से देखते हैं तो ये भी हमें पता चलता है कि कितनी मेहनत के साथ में इस किले को बनवाया गया होगा। सामने आपको एक विंडो नज़र आ रही होगी, ये सामने जो आप नज़र देख पा रहे हैं, ये शायद इसके अंदर संगमरमर का पत्थर हमें नज़र आता है, वाइट पत्थर, और काफ़ी अच्छा झरोकर ये बनाया गया था, क्योंकि यहाँ से पूरा गांव
नज़र आता था उस समय के अंदर जो दासियाँ होती थी, जो रानियाँ होती थी, वो यहाँ से विंडो से पूरे गांव को अच्छे तरीके से निहार सकती थी। तो आइए थोड़ा सेकंड चौक की तरफ हम चलते हैं, आइए इसके सेकंड चौक की तरफ चलते हैं। ये गेट बना हुआ है यहाँ पर, लगभग 10 फुट का ये गेट है ऊपर तक। तो आइए आराम से आना भाई, थोड़ा सेफ्टी के साथ में। और यहाँ अंदर आने के बाद ये दूसरा पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये ऊपर जाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ पर ऊपर जाने के लिए। और इस तरफ जब हम नज़र डालते हैं, देखिए यहाँ पर पूरी छत गिर चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है पूरी, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे छत लगी हुई थी वो नीचे यहाँ पर गिर चुकी है। और ये मलबा जो आपको नज़र आता है नीचे, ये मलबा उस छत का ही है। दोस्तों, ये सामने हमें रसोई नज़र आती है और जस्ट इसके बाद में फिर से हमें एक गेट नज़र आता है। ऐसे किले दोस्तों बड़ी दिमाग से बनाए जाते थे, जो युद्ध की स्थिति भी होती थी तो उसको देखते हुए भी चकराने के लिए दुश्मनों को ऐसे किले बनाए जाते थे। और इस किले में हम ये चीज़ देख सकते हैं। इसका ये सेकंड चौक है, और मैं सेकंड चौक को दिखाने से पहले एक बार मैं बाबूजी से पूछना चाहता हूँ कि ये चीज़ क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हर वीडियो के अंदर ये कहना चाहता हूँ कि खजाना बहुत कम निकलता है दोस्तों, और खजाने की लालच के चक्कर में लोग अक्सर किलों को बर्बाद कर देते हैं। उसी तरीके से इस किले के साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ पर ये देखिए कितना ज़्यादा बड़ा गड्ढा कर दिया गया है सेकंड चौक के अंदर, किस लिए? सिर्फ लालच के चक्कर में कि यहाँ पर कुछ धन निकल सके या फिर कोई खजाना निकल सके। ऐसा होता है अक्सर कि खजाना निकल जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि खजाना निकले और हम उसके चक्कर में किले को बर्बाद कर दें। दोस्तों, ये है गेट सेकंड चौक का, इसमें से हम लोग आए हैं। और उसके बाद में आपको नज़र आते हैं ये तीन बड़े बड़े गेट। पर बाबूजी ने बता रहे हैं कि ये सामने जो आप ये झरोके देख पा रहे हैं तीन, इनके अंदर गेट लगे हुए थे पहले लकड़ियों के। और थोड़ा सा अंदर आइए आप एक बार यहाँ पर, और यहाँ से नज़र डालिए इस तरफ, सेम वही पोर्शन के अंदर, इस चौक के अंदर ये तीन गेट बनवाए गए थे। और इधर भी देखिए सेम वहीं तीन गेट बनाए गए थे। और सामने आपको एक आला नज़र आ रहा होगा, वो गांव को निहारने के लिए। और सामने ऊपर हम नज़र डालते हैं तो काफ़ी बड़ा हमें सुंदर महल नज़र आता है ऊपर तीन गेट के साथ में, और चमगादड़ों की भी आवाज़ हमें काफ़ी सारी यहां पर आ रही है। दूसरा हम इसके अंदर चलते हैं तो ये काफ़ी बड़ा एक दीवान टाइप में बनवाया गया था उस समय राजा महाराजाओं के द्वारा। और अंदर जाने के बाद यहाँ पर फिर से हमें वो तीन गेट नज़र आते हैं, और यहाँ भी ऐसे ही गेट लगे हुए थे और आज वर्तमान समय में टूट चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए सामने की तरफ आपको यहाँ पर चमगादड़ नज़र आएंगे उड़ते हुए, और जैसे ही लाइट जाएगी उड़ने लगेंगे। यहाँ पर देखना सामने ये चमगादड़ है इतने सारे, देखिए चमगादड़ की मात्रा। और अंदर नज़र डालते देखिए, ऐसे किले वीरान होने के बाद में चमगादड़ का घर बन जाता है। दूसरी तरफ हम चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी चमगादड़ों की काफ़ी सारी आवाज़ आ रही है। और ये देखिए लोगों ने यहाँ पर खजाने के लिए इस दीवारों को तोड़ दिया है, कि दीवारों में दबे होते हैं मटके, और उन मटकों के चक्कर में यहाँ पर लोगों ने इस पूरे किले को तोड़ा है। और यहाँ पर ये देखिए कुछ मटके रखने के स्थान होते हैं ये लोग, ये यहाँ पर, और इसको भी डिज़ाइन दिया जाता था। तो इधर आइए आप एक बार, और अंदर आकर यहाँ पर देखिए कितने सारा यहाँ पर ये पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर इसको तोड़ा है पूरा, इस किले को, इस पूरे रूम को। और इधर भी एक छोटा सा रूम बना हुआ है, और इस रूम में हम आते हैं। तो आइए आप एक बार, इस रूम में आने के बाद हमें यहाँ पर देखिए सामने एक हमें एक और रूम नज़र आता है, और ये शायद अनाज रखने की जगह थी उस समय। और इसके अंदर चमगादड़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा है मात्रा। दोस्तों देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको, ये गुफा टाइप में है एक, तो अभी अंदर तो नहीं जा सकते हम लोग। और इसके अंदर ये एक यहाँ पर बनाया हुआ है झरोका, और जिसमें हम पूरा बाहर का नज़ारा अच्छे से देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों इस किले को पूरे सुरक्षा के तौर पर बनवाया गया था, तो इसमें ऊपर जाने के लिए भी एक यूनिक चीज़ हमें नज़र आती है। सीधा हम इसके ऊपर नहीं जा सकते, थोड़ा सा डाउन होकर फिर जाना पड़ता है देखिए ऐसे। तो आइए
थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। और ऊपर जाने के बाद दोस्तों पहले बता देता हूँ मैं, यहाँ पर चमगादड़ की मात्रा बहुत ज़्यादा है और चमगादड़ उड़ भी रहे हैं यहाँ पर। हालांकि चमगादड़ खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी चमगादड़ की मात्रा मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा चमगादड़ है, पूरे रूम को घेरा हुआ है इन्होंने नीचे तक। अक्सर आप देखते थे चमगादड़ों की मात्रा कि ऊपर यहाँ पर दीवार पर चिपके होते थे, लेकिन ये तो भाई साहब दीवार के साइड में भी चिपके हुए हैं, बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए कितने ज़्यादा चमगादड़ है यहाँ पर। तो दोस्तों चमगादड़ की मात्रा आप देख सकते हैं, अक्सर ऐसे जो किले होते हैं जो वीरान होते हैं उनको चमगादड़ ही घेर लेते हैं, चमगादड़ उनको बेकार कर देते हैं पूरा। देखिए आप एक बार कितने ज़्यादा चमगादड़ यहाँ पर चिपके हुए हैं, और ऊपर की तरफ ना चिप कर कर ये सामने जो आले बने हुए, इतनी सुंदरता से आले बनाए गए थे उस समय। ये पूरा रूम था और अंदर भी एक रूम है, उसके अंदर भी ऐसे छोटे छोटे आले बनवाए गए थे जो हमें इस किले के जो सुंदरता होती है उसको बढ़ाने में काफ़ी अहम रखते हैं, जो छोटे छोटे आले होते हैं रूम के अंदर। और सामने उस समय की जो ये पेपर है, सामने वाली दीवार पर ही चमगादड़ सबसे ज़्यादा है, और सामने वाली दीवार पर ही जो फेस्टिवल होता है होली दिवाली के टाइम पर, तो वो यहाँ पर जो दीवार पर छापा लगाते हैं वो चीज़ यहाँ पर होती थी, पूजन होता था। तो अब ज़्यादा देर यहाँ पर रुका नहीं जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में चमगादड़ है, दूसरी तरफ चलते हैं। दोस्तों जो शेखावटी है राजस्थान के अंदर, एक अलग ही इतिहास बना हुआ है। शेखावटी के अंदर काफ़ी सारे एरिए आते हैं और ये एरिया भी उसी के अंदर आता है। और क्यों आता है, शेखावटी नाम क्यों पड़ा, उसकी जो भूमिका है यहाँ पर काफ़ी सारी हम मान सकते हैं, क्योंकि बाबूजी बताएं कि यहाँ पर किन का जन्म हुआ था। यहाँ राव शेखा जी का जन्म हुआ है, उनका ये वो यहाँ के बाणजे थे और यहीं पर उनका जन्म हुआ था। बाद में फिर कहाँ पर राज किया उन्होंने? फिर बाद में वो चले गए शेखावटी, उधमपुर। ओके दोस्तों, देखिए इस स्थान पर ही उनका जन्म हुआ था। पहले के ज़माने में ऐसे जो ये पुराने खास टाइप का बोल सकते हैं, यहाँ पर पर्दे लगे होते थे हवा के लिए, और ऊपर जो आप ये नज़र आ रही है आपको लाखोरी ईंटें जो नज़र आ रही है पतली पतली, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि बाबूजी ने बताया है कि पेंट यहाँ पर किया गया था और अच्छी अच्छी पेंटिंग बनवाई गई थी। जब इसको होटल में तब्दील करने की बात आई तब यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा तुड़वा दिया गया उसको रिपेयर करवाने के लिए बाद में। और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने सारे आले बनवाए गए थे, और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये आले बनवाते थे और इसके अंदर सामान वगैरह सब रखा किया करते थे, और इसकी सुंदरता बढ़ जाती थी इन सब चीज़ों से। और सामने की तरफ ये जो हिस्सा देख पा रहे हैं ये है एक बुर्ज का हिस्सा, और ये बुर्ज के अंदर भी अभी चमगादड़ है काफ़ी सारे, इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं। और बुर्ज के बारे में भी मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, वो बाबूजी हमें बताएंगे एक बार। दोस्तों इसके बुर्ज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि बाबूजी यहाँ पर कितने बुर्ज हैं और कैसे बनवाए गए थे। इस किले के तीन बुर्ज हैं। तीन क्यों, अक्सर चार बुर्ज होनी चाहिए? चार बुर्ज हो। इस किले के पीछे एक बड़ा पहाड़ है, उसको देखते हुए उन्होंने ये देखा कि पश्चिम और दक्षिण की तरफ से तो पहाड़ कवर करेगा, बाकी जो आठ दिशाएं हैं उनको ये तीन बुर्जें कवर करती हैं। तो उन्होंने ये समझा कि उस साइड के अंदर हमने तो वार कर सकेंगे, दक्षिण और हाँ दक्षिण और पश्चिम की तरफ जो बुर्ज बनी हुई है बनाएंगे उसको कवर करने के लिए, तो उससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने ये नहीं बढ़ा करके तीन बढ़ाई और आठ दिशाओं को, दस दिशाओं में से दो दिशा तो उनके लिए छोड़ दी और आठ दिशाओं को इन तीन बुर्जों ने कवर किया। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये पूरा किला इतना बड़ा सिर्फ तीन बुर्ज के ऊपर टिका हुआ है। अक्सर छोटे जो किलेदार होते हैं, किले बनाए जाते थे, वो भी चार बुर्ज के साथ में बनाए जाते थे, और इस किले को इस रणनीति के साथ में बनाया गया था कि तीन बुर्ज के साथ में ही सिर्फ इसको बनाया गया। और आज भी लगभग 500 साल इसको हो चुके हैं, आज भी ये टिका हुआ है। के टॉप में आने के बाद पीछे तरफ हमें नज़र आता है ये जो सेकंड चौक का जो हिस्सा था बाद में जो बनवाया गया था वो हिस्सा हमें नज़र आता है, और ऊपर हमें दो रूम नज़र आते हैं। तो अभी चलकर आपको मैं दिखाऊंगा उस तरफ का हिस्सा भी, देखिए कितने सुंदर तरीके से ये बनवाया गया था। और आप जो अभी नज़ारा देख रहे हैं ये सेकंड चौक का नज़ारा है, और दोनों तरफ इसके सीढ़ियाँ बनवाई गई थी। जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि इस किले को काफ़ी रणनीति के साथ में बनवाया गया था, और काफ़ी सुरक्षा के तौर पर भी इसको देखते हुए एक अच्छे किले के रूप में बनवाया गया था। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इसको होटल में तब्दील कर दिया जाता
तो काफ़ी सहारा लगता टूरिस्ट प्लेस को, एक यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ जाती, लोग यहाँ पर आते और इस किले को निहारते अच्छे से। सामने आप देख पा रहे हैं ये बाद में बनवाया गया। यहाँ से मैं एक बार आपको कोशिश करता हूँ इसकी पूरी शेप दिखाने की, जो आपको वहाँ पर सीमेंट से बने हुए, थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए, सीमेंट से बने हुए जो डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं वो था इसका पहला चौक का हिस्सा, और वापस से आउट करिए और इसके बाद में ये दूसरा हिस्सा था दूसरे चौक में आने का। देखिए आप इधर, ये चौक है सेकंड, और इसके बाद में फिर ये यहाँ पर महल बनाया गया था। मतलब कहने का यही है, मेरा तात्पर्य यही है कि इसको एक लंबी शेप के अंदर बनवाया गया था, तभी इसके अंदर दो चौक आ पाए और उसके बाद में ये पूरा पीछे का महल आप देख पा रहे कितनी सुंदर तरीके से बनवाया गया था। जैसा कि आपने दूसरी तरफ देखा था जहाँ पर शेखा जी का जन्म हुआ था, उसी तरीके से इस तरफ भी आप नज़र देख सकते हैं, नज़र डालकर इतनी सारी यहाँ पर पिलरों के साथ में इसको बनवाया गया था। ये देखिए आप एक बार, और इसके अंदर जो ये है खाद जो है चमगादड़ की इकट्ठी हो रखी है, और ऐसा कहा जाता है कि चमगादड़ की खाद जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है खेती में। और इधर भी झरोका निकाला गया था, देखिए बाहर का सीन देखने के लिए। ये पूरा हिस्सा है अंदर का, है देखिए छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई गई थी ऊपर जाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर जाकर भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पर मुझे बाबूजी बात कर रहे थे रूम की, वो ये रूम है ये वाला, और इस तरफ आप पर देखिए एक बार, यहाँ पर ये रूम बनवाया गया था। अंदर जाकर दिखा दीजिए एक बार ये रूम किस तरह से बनवाया गया था, और इसके अंदर वो छोटी सी तिजोरी बनवाई गई थी सामने ये वाली, और इधर भी झरोके बनाए गए थे, और उधर हमें नज़र आते हैं वो बुर्ज के हिस्से। अब बाहर आइए एक बार और यहाँ से नज़र डालिए, कितना खूबसूरत ये किला हमें नज़र आता है यहाँ से। एक ये छोटा सा रूम बनाया गया था, और यहाँ से पूरे नज़र डालिए, जितनी भी आपको ये दीवारें नज़र आ रही है, पूरे घर नज़र आ रहे हैं, ये पूरे किले के हैं। कितना लंबा और कितना ज़बरदस्त इस किले को बनवाया गया था, और ये देखिए यहाँ से तो देखा था कि जो छोटा सा एक महल नज़र आ रहा था वो यही है, इसके अंदर खड़े हुए हैं। तो बाबूजी बताएंगे इसके बारे में कुछ, जो हमारे ग्रांड फादर समझो या 5वीं 7वीं पीढ़ी है वो यहाँ पर आई थी, उनके आने के बाद ये मकान का निर्माण किया गया। और वैसे मैं नाम बताऊँ तो ये मकान बनाया है श्री हरनंद सिंह का मकान बनाया हुआ है, फिर उनकी औलाद में से चले तो वहाँ से चले उनके राधु सिंह जी, राधु सिंह जी के बड़े बड़े लड़के हुए शोभक सिंह, और उनके अंदर हुए एक सूरजबख्श सिंह, जो लास्ट के अंदर आरआई से या पुलिस के आरआई से चिड़ावा से रिटायरमेंट हुए थे, उनके नारायण सिंह पैदा हुआ। नारायण सिंह के भाऊ, बड़ा लड़का भाऊ सिंह, छोटा मैं केसर सिंह हूँ, और मेरे लड़के का, बड़े वाले लड़के का जन्म यहीं पर है। इसके बाद छोड़ करके हम अपने कुएं पर समझो या ज़मीन पर समझो वहाँ पर चले गए। मतलब कितने साल हो गए इसको यहाँ पर छोड़े हुए? हमको यहाँ पर करीब 33-34 साल हो गए। तो दोस्तों देखिए किले के बाद में इसको बनवाया गया था, और एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी पूरी जो शेप है वो भी पूरी एक किले की शेप की दी गई थी इस पूरे महल को, इस पूरे घर को। और लगभग 33-34 साल हो चुके हैं ये घर छोड़े हुए, और अभी भी अगर इसको पूरे तरीके से रिपेयर किया जाए तो एक काफ़ी सुंदर महल ये बनाया जा सकता है। और अभी फ़िलहाल इसके अंदर थोड़ी बहुत मरम्मत का काम करवाया गया है इन बाबूजी के द्वारा, और इसके अंदर थोड़ी बहुत लाइट की सुविधा भी की गई है, क्योंकि यहाँ पर आसपास के अंदर असामाजिक तत्व के लोग भी कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाते हैं, और ऐसे धरोहरों को तोड़ने पर उतारू रहते हैं। इस चीज़ को देख कर यहाँ पर उन्होंने रिपेयर का काम करवाया, और उसके बाद में यहाँ पर गेट लगाकर लॉक लगा दिया गया ताकि असामाजिक तत्व यहाँ पर नहीं आ सके। बाकी जो आपने किला देखा वो एकदम खुला है, उसमें कोई भी आ जा सकता है। तो दोस्तों आपने कंप्लीट किला देख लिया है तोंदा गांव का,
और ये अपने आप में इतिहास को समेटे हुए हैं और आज से लगभग 500 साल पुराना ये इतिहास है। तो पूरा किला आपने देखा और किस कंडीशन से अभी ये गुजर रहा है वो सारी चीज़ें आपने जानी है। दोस्तों ये अगर यहाँ इस किले को आपको देखना है तो ये पड़ता है राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के अंदर खेतड़ी तहसील से लगभग कितने किलोमीटर 9 किलोमीटर खेतड़ी तहसील से ये पड़ता है। और आप ये इसको देख सकते हैं आराम से आकर, और इसका इतिहास मैंने आपको बता दिया है और आपको अच्छे से दिखा भी दिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर वीडियो डालूं तो आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए आपका प्यार मेरे लिए बनाए रखना, और हाँ अब रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी आपके लिए, मैं कंटिन्यू वीडियो अब बनाता रहूँगा और आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।